एकता शर्मा, आज फिर आपके लिए लेके आई हूँ 12th क्लास की बुक पनोरमा का सेकेंड चैप्टर। चैप्टर नेम है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, कि एक लेडी की पोर्ट्रेट, एक लेडी का चित्र। खुशवंत सिंह जो है वो इसके राइटर है, इस चैप्टर को इन्होंने लिखा है, खुशवंत सिंह जो कि बहुत ही फेमस राइटर इंडिया के माने जाते हैं। और इन्होंने अपनी जो ग्रैंड मदर है उनके बारे में यहाँ पे डिटेल में बताया कि उनकी ग्रैंड मदर है वो दिखने में कैसी थी, क्या क्या हुआ था, क्या कौन कैसे था, उसकी दादी माँ के बारे में, उसकी दादी माँ के साथ उसके जो उसका जो टाइम स्पेंड जो उसने किया था उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। तो चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। माय ग्रैंड मदर लाइक एवरीबॉडी इज ग्रैंड मदर वाज एन ओल्ड वुमेन, कि माय ग्रैंड मदर, मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो क्या थी, लाइक एवरीबॉडी इज ग्रैंड मदर, की प्रत्येक व्यक्ति की ग्रैंड मदर के समान, वाज एन ओल्ड वुमेन, क्या थी, एक ओल्ड वुमेन है वो थी, मेरी ग्रैंड मदर प्रत्येक व्यक्ति की ग्रैंड मदर के समान एक ओल्ड वुमेन है वो थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल फॉर द 20 ईयर्स दैट आई हैड नोन हर। शी हैड बीन ओल्ड, कि वो ओल्ड थी, वृद्ध थी, एंड रिंकल, रिंकल यानी झुर्रियों से भरी हुई थी, फॉर द 20 ईयर्स, कि वो 20 वर्षों से ओल्ड, वृद्ध और रिंकल से भरी हुई थी, झुर्रियाधार वो थी। That I had known her, कि जब से मैं उसे जानता हूँ उन 20 वर्षों से वो झुर्रियोदार और वृद्ध थी, मतलब जो राइटर है वो 20 ईयर्स का हो गया है और 20 साल से वो अपनी दादी को देख रहे हैं और उसकी दादी के फेस पे झुर्रियां पड़ी हुई हैं और वो वृद्ध दिखाई देती है, और कब से, 20 वर्षों से। पीपल सेड, लोग कहते थे दैट, की शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी, कि सी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी, की कभी, सी हैड बीन वंस, वंस यानी एक बार, यानी कभी वो यंग हुआ करती थी, युवा हुआ करती थी, एंड प्रिटी सुंदर हुआ करती थी, एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड, और यहाँ तक कि हैड ए हस्बैंड, वो एक हस्बैंड भी रखती थी, उसके एक पति भी था, ऐसा लोग कहते हैं। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, बट दैट वॉज हार्ड, लेकिन ये क्या था, हार्ड था, कठिन था, टू बिलीव, विश्वास करना, कि ये विश्वास करना है वो कठिन था। क्यों, क्योंकि राइटर है वो 20 इयर्स का हो गया और उसने कभी भी अपनी दादी को चेंज, अपनी दादी के अंदर कोई चेंज है वो नहीं देखा था, उसके दादाजी है वो पहले ही एक्सपायर हो गए थे। तो बोला है कि 20 वर्षों से मैंने दादी को ऐसे ही देखा था और लोग कहते थे कि वो सुंदर थी, युवा थी और उसके एक हस्बैंड भी था, बट ये बिलीव करना है वो हार्ड था, कठिन था। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबाउट द मेंटल पीस इन द ड्रॉइंग रूम। अब वो थोड़ा अपने दादाजी के बारे में बता रहा है कि माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट, कि मेरे ग्रैंड फादर की, मेरे दादाजी की जो पोर्ट्रेट, जो चित्र है वो हैंग लटका हुआ था, कहाँ, अबाउट द मेंटल पीस इन द ड्रॉइंग रूम। देखो ध्यान से सुनना, दादाजी के पोर्ट्रेट के बारे में भी क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। तो वो बता रहा है कि मेरे दादाजी का जो पोर्ट्रेट यानी जो चित्र था वो ड्रॉइंग रूम में, ड्रॉइंग रूम में जो मेंटल पीस यानी जो अंगीठी, जो आग जलाने का जो स्थान होता है, तो जो मेंटल पीस यानी जो अंगीठी का जो स्थान था उसके ऊपर मेरे दादाजी की जो पोर्ट्रेट है वो लटकी हुई थी। ही वो ए बिग टर्बन, ही वो उन्होंने पहने हुए था ए बिग टर्बन, यानी एक बड़े जो टर्बन थी, पगड़ी वो बांधे हुए थे, एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, और ढीले ढाले कपड़े हैं वो पहने हुए थे। हिज लॉन्ग व्हाइट बियर्ड कवर द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, कि हिज लॉन्ग, उनकी लंबी व्हाइट बियर्ड यानी सफेद जो दाढ़ी थी वो कवर, ढकी हुई थी, द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, कि उसके चेस्ट यानी उसकी छाती का जो बेस्ट पार्ट था यानी जो अधिकतर जो हिस्सा था उसकी चेस्ट का वो लंबी और सफेद दाढ़ी से कवर्ड था, ढका हुआ था। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, एंड ही लुक्ड, और वो दिखाई देते थे एट लीस्ट, कम से कम 100 ईयर्स ओल्ड, कि लगभग वो 100 साल के वृद्ध है वो, कम से कम वो दिखाई दे रहे थे। वो अपने दादाजी के बारे में बता रहा है कि दादाजी भी इतने ही वृद्ध आयु के दिखाई देते थे जैसे कि दादी थी, लेकिन दादाजी पहले ही बहुत पहले चले गए थे, लेकिन फोटो से वो कैसे दिख रहे हैं, 100 ईयर्स ओल्ड वो दिखाई देते हैं, बड़ी लंबी उनकी व्हाइट कलर की दाढ़ी थी। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हू वुड हैव ए वाइफ और चिल्ड्रन। तो क्या बताया, ही डिड नॉट लुक, वो दिखाई नहीं देते थे, द सॉर्ट ऑफ पर्सन, इस प्रकार के पर्सन, इस प्रकार के व्यक्ति, हु वुड हैव, जो कि रखता हो, क्या, ए वाइफ और चिल्ड्रन, कि एक पत्नी और बच्चों को रखने वाले व्यक्ति के समान वो दिखाई नहीं देता था, कि वो इस प्रकार का व्यक्ति नहीं दिखता था जिसके कि एक वाइफ और पत्नी, एक वाइफ और बच्चे हो, चिल्ड्रन हो। ही लुक्ड, वो दिखाई देता था, कैसा दिखाई देता था,
एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉर्ड्स एंड लॉर्ड्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, कि ही लुक्ड, वो दिखाई देता था एज इफ, जैसे कि ही कुड ओनली हैव, कि वो केवल रख सकता था लॉर्ड्स एंड लॉर्ड्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, कि वो बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन जो है, पोते पोतियां जो नाते हैं, नातियां पोते पोतियां हैं, वो बहुत सारे पोते पोतियां रखने वाली व्यक्ति के समान दिखाई देता था। ऐसा नहीं लगता था कि उसके सिर्फ वाइफ है और बच्चे हैं, ऐसा लगता था जैसे उसके ग्रैंड चिल्ड्रन है बहुत सारे। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी, एज फॉर मीन जहां तक कि माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी, कि मेरी ग्रैंड मदर कभी युवा और सुंदर होती थी, जहां तक ये बात है, मतलब दादाजी के बारे में बता दिया कि उसके दादाजी कैसे दिखाई देते थे, पोते पोते वाले दिखाई देते थे, लेकिन अब बात आती है दादी माँ की। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी, कि जहां तक मेरी दादी माँ की युवा और प्रिटी यानी सुंदर होने की बात है, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, तो ये जो थॉट, ये जो विचार था, वो भी क्या था, ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, लगभग रिवोल्ट करने वाला, यानी हलचल पैदा करने वाला या विद्रोह करने वाला विचार है वो लगभग था, मतलब ऐसा विश्वास नहीं किया जा सकता था कि वो कभी युवा और प्रिटी थी। सी ऑफन टोल्ड अस द गेम सी यूज टू प्ले एज ए चाइल्ड, कि सी ऑफन टोल्ड अस, कि वो ऑफन यानी प्राय टोल्ड अस, हमें बताती थी, और द गेम्स, उन गेम्स के बारे में, खेलों के बारे में प्राय वो हमें बताती थी। सी यूज टू प्ले एज ए चाइल्ड, जो कि चाइल्ड के रूप में, बच्चे के रूप में वो खेला करती थी, उन गेम्स के बारे में वो प्राय हमें बताती थी। दैट सीम क्वाइट अब्जर्ड, दैट सीम, जो कि प्रतीत होते थे क्वाइट अब्जर्ड, बिल्कुल ही अब्जर्ड यानी भद्दे प्रतीत वो होते थे, मतलब बिल्कुल ही ऐसे तुच्छ से प्रतीत वो चीज है वो होती थी, जो गेम्स वगैरह के बारे में बात हुई थी वो। एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, एंड अनडिग्निफाइड, अनडिग्निफाइड मतलब असम्मान से पूर्ण, असम्माननीय मतलब जो डिग्निफाइड नहीं है, सम्मान से पूर्ण नहीं है, असम्मान वाली जो चीज है, भद्दी जो चीजें हैं, तो अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, और उसके पार्ट में मतलब उसके रूप में वो कैसी दिखती थी, एक अनडिग्निफाइड के रूप में वो दिखती थी, असम्माननीय चीज है वो लगती थी उसके पार्ट में, मतलब मेरी जो दादी माँ है वो ये जो गेम्स के बारे में बताती थी, तो वो सारे अब्जर्ड यानी भद्दे और असम्मान से भरे हुए लगते थे, क्योंकि उसको लगता ही नहीं था कि उसकी दादी कभी बच्ची थी, कभी छोटी थी, युवा थी, सुंदर थी। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेवर ऑफ द प्रोफेट सी यूज टू टेल अस, एंड वी ट्रीटेड इट, ट्रीटेड मतलब हम समझते थे, इट यानी इसे, ये जो गेम्स वगैरह बताती थी इनको हम समझते थे लाइक द फेबल, फेबल के समान, स्टोरीज के समान, और द प्रोफेट, प्रोफेट्स यानी जो पैगंबर वगैरह होते हैं उनकी स्टोरीज के समान। सी यूज टू टेल अस, यूज टू टेल अस मीन्स जो वो हमें बताती थी, मीन्स ये जो पुरानी बातें जो वो हमें बताती थी वो पैगंबर के स्टोरीज के समान हम समझते थे, मीन्स जो परियों की जो स्टोरी होती है, जो कहानियां होती है, जो बच्चों को सुनाई जाती है, उसके समान वो इन बातों को मानते थे, क्योंकि उनको विश्वास नहीं था कि उसकी दादी कभी युवा थी, कभी यंग थी, इन गेम्स को वो खेला करती थी, ऐसा उनको बिलीव नहीं हुआ था। सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट, सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट, कि वो हमेशा शॉर्ट यानी छोटी, हाइट उनकी कम थी तो वो छोटी, एंड फैट यानी मोटी, एंड स्लाइटली बेंट और थोड़ी सी, स्लाइटली यानी थोड़ी सी बेंट यानी झुकी हुई, कि वो हमेशा छोटी मोटी सी और थोड़ी सी झुकी हुई दिखाई देती थी। हर फेस वाज ए क्रिस क्रॉस मतलब ऐसे आड़ी टेढ़ी जो रेखाएं होती है इस टाइप से, तो इसको बोलते हैं क्रिस क्रॉस। क्रिस, हर फेस वाज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, कि उसका जो फेस था, उसका जो चेहरा था, वो प्रत्येक जगह से झुरियों से, जो रिंकल्स रनिंग मतलब झुरियां हैं वो फैली हुई क्रिस क्रॉस के समान दिख रही थी, मतलब उसके पूरे फेस पे हर जगह झुरियां ही झुरियां दिखाई देती थी, झुरियों की जो लाइन थी क्रिस क्रॉस यानी ये जो डिजाइनदार जैसे लाइन है झुरियों की, वो दिखाई देती थी, फैली हुई दिखाई देती थी। नो नहीं, वी वर सर्टेन, हम निश्चित थे, हम बिल्कुल विश्वास था हमें, सी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, कि सी हैड ऑलवेज बीन, वो हमेशा वैसी ही थी जैसे हम उसे जानते थे। तो बता रही है कि नहीं, हम निश्चित थे कि वो हमेशा वैसी ही थी जैसे कि हम उसे जानते थे। ओल्ड वृद्ध, कैसे जानते थे, वृद्ध जानते थे, सो टेरेबली ओल्ड, बहुत ही अधिक भयानक रूप से वृद्ध, कि इतनी वो भयानक रूप से वृद्ध थी, बहुत अधिक वो वृद्ध थी, दैट कि सी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि वो और अधिक ओल्डर नहीं हो सकती थी, और वृद्ध वो नहीं हो सकती थी, मतलब वो बहुत ज्यादा वृद्ध थी।
एंड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स एंड हैड स्टेड, और वो ठहरी हुई थी, रुकी हुई थी एट द सेम एज, उसी सेम एज पे फॉर 20 ईयर्स, और वो 20 वर्षों से सेम उसी एज पे, उसी अवस्था पे, उसी सेम एज पे, आयु पे वो ठहरी हुई थी। देखो सिर्फ वृद्ध बताने के लिए कितनी लंबी चौड़ी बातें इसने बताई है। सी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी, वो कभी प्रीटी नहीं हो सकती थी, वो सुंदर नहीं हो सकती थी, बट लेकिन सी वॉज वेरी ब्यूटीफुल, वो प्रीटी नहीं हो सकती थी लेकिन वो हमेशा सुंदर थी। सी होबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस व्हाइट विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी। तो सी होबल्ड होता है लंगड़ाकर चलना, कि सी होबल्ड अबाउट द हाउस, वो घर में लंगड़ाकर चलती थी। कैसे चलती थी? इन स्पॉटलेस व्हाइट, कि अपने स्पॉटलेस यानी दाग धब्बों से रहित सफेद कपड़ों में। विद वन हैंड, एक हाथ है वो रेस्टिंग टिकाए हुए कहाँ, ऑन हर वेस्ट अपनी कमर पे, टू बैलेंस हर स्टूप, कि अपने झुकाव को, अपने स्टूप यानी जो झुकाव है उसको संतुलित करने के लिए एक हाथ कमर पे टिकाए हुए और अपने दाग धब्बों से रहित सफेद वस्त्र में। एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ अ रोजरी, और अपनी जो रोजरी जो माला है उसके बीड्स यानी जो मन के हैं उनको फेरते हुए घर में वो लंगड़ाकर चलती थी। तो अपने दाग धब्बों से रहित सफेद वस्त्र में एक हाथ को अपने झुकाव को संतुलित करने के लिए कमर पे टिकाए हुए और दूसरे हाथ में क्या, माला के मनकों को फेरती हुई वो घर में, पूरे घर में लंगड़ाकर चलती थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्केटर एंटायरली ओवर द ओ हर पेल पकर्ड फेस एंड हर लिप्स कंस्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर। कि हर सिल्वर लॉक्स, उसके जो सिल्वर लॉक्स जो थे, सिल्वर यानी चांदी के समान जो लॉक्स यानी बालों का जो जुड़ा होता है उसको बोलते हैं, कि उसके चांदी के कलर के यानी एकदम सफेद जो बालों का गुच्छा था, वो स्केटर्ड यानी फैला हुआ था अनटाइडली यानी बिना बंधा हुआ यानी अव्यवस्थित रूप से, ओवर हर पेल पकर्ड फेस, कि उसके एकदम पीले मुरझाए हुए या जो झुर्रियों वाला जो चेहरा था, उसके पीले झुर्रियों वाले चेहरे पर अव्यवस्थित रूप से उसके चांदी के समान सफेद बाल है वो अव्यवस्थित रूप से बिखरे हुए थे। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, और उसके जो लिप्स यानी उसके जो होंठ थे वो कॉन्स्टेंटली यानी कंटिन्यू लगातार मूव्ड यानी हिल रहे थे इन इनऑडिबल प्रेयर, कि सुनाई न देने वाली प्रार्थनाओं के साथ उसके होंठ वो लगातार हिल रहे थे। यस, हाँ, सी वॉज ब्यूटीफुल, वो ब्यूटीफुल थी, सुंदर थी। सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, किसके समान थी वो, माउंटेन यानी पर्वतों के अंदर, पर्वतों के ऊपर जो विंटर लैंडस्केप यानी जो सर्दियों के अंदर जो लैंडस्केप होता है, जो प्राकृतिक दृश्य जो होता है सर्दियों में वहां पे बर्फ से जैसे माउंटेन भरे हुए रहते हैं, बर्फ की चादर बिछी हुई रहती है, वैसे उसके बाल है वो सफेद थे और वो पूरी की पूरी सफेद थी। तो इसमें बताया है कि सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, कि वो पर्वतों में जैसे सर्दियों का प्राकृतिक दृश्य होता है उसके समान वो थी। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर व्हाइट सेरेनिटी, कैन एक्सपेंस यानी विस्तार, किसका, प्योर व्हाइट सेरेनिटी की, एक शुद्ध सफेद सेरेनिटी यानी पवित्रता का विस्तार के रूप में, माउंटेन के अंदर जैसे सर्दियों का प्राकृतिक दृश्य होता है उसके समान वो दादीमा उसकी थी। ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, ब्रीथिंग वो श्वास लेती थी शांति और कंटेंटमेंट यानी संतुष्टि के साथ में वो श्वास लेती थी, सांस लेती रहती थी। तो ऐसा इसकी दादीमा का चित्र है, वो इसने बताया है कि मेरी दादी है वो कैसी थी। अब उन दोनों की रिलेशन है वो आ रहे हैं। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड, कि मेरी जो ग्रैंड मदर जो दादी थी, एंड आई और मैं क्या थे, वह गुड फ्रेंड्स, हम अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर, मेरे पेरेंट्स ने लेफ्ट मी, मुझे छोड़ दिया था, विद हर उसके साथ मुझे मेरे पेरेंट्स ने छोड़ दिया था। वेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब वो सिटी में रहने के लिए गए, शहर में रहने के लिए गए, तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे छोड़ दिया। एंड वी वर कंस्टेंटली टूगेदर, और हम क्या थे, कंस्टेंटली यानी लगातार कंटिन्यू हम साथ साथ थे। सी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, की सुबह के समय वो मुझे उठाया करती थी। यूज टू मतलब कोई काम की आदि हो जाना, कि वो मुझे हमेशा उठाया करती थी, उठाने की वो आदि हो गई थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए रेडी करती थी, तैयार करती थी। सी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर, वो हमेशा अपनी जो मॉर्निंग प्रेयर यानी सुबह की जो प्रार्थना थी उसको कहती रहती थी, बोलती थी। इन ए मोनोटोनियस सिंग,
मोनोटोनियस यानी उबा देने वाला, एकदम उबाऊ जो जो सॉन्ग होता है, जो उबाऊ रूप से जो चीज गाई जाती है, सिंग सॉन्ग। देखो यहाँ पे सिंग सॉन्ग है, तो ऐसे हो जाएगा सी सैड है मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटोनियस सिंग सॉन्ग, कि एक उबा देने वाला एक गाने के रूप में वो अपनी मॉर्निंग प्रेयर को, अपनी सुबह की प्रार्थनाओं को बोलती रहती थी, क्योंकि पोइट को वो चीज है वो एकदम उबा देने वाली लगती थी। वो पोइट है वो उन मॉर्निंग प्रेयर को सुनकर के वो थक जाया करता था, लेकिन उसकी जो दादी माँ थी वो कंटिन्यू उसको बोला करती थी। होता है ना, जैसे हमारे घर में भी जो ओल्ड पर्सन रहते हैं वो अपने भजन गाते हैं, लेकिन हमें उसमें इंटरेस्ट अभी नहीं है, हमें वो भजन है वो अच्छे नहीं लगते। अब वो कब गाया करती थी, वाइल सी बाथ एंड ड्रेस मी इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हर्ट। तो वो जब उबा देने वाले गाने हैं, वो प्रार्थना जो मॉर्निंग प्रेयर थी वो गाती थी कब, जब सी बात, जब वो स्नान करवाती थी एंड ड्रेस मी, जो वो मुझे स्नान करवाती थी एंड ड्रेस मी यानी मुझे कपड़े पहनाती थी, इन द होप इस आशा के साथ में वो गाती थी दैट की आई वुड लिसन, मैं सुनूंगा एंड गेट टू नो इट बाय हर्ट, और मैं अपने हृदय में उसको धारण कर लूंगा। हर्ट यानी हृदय में, गेट टू नो इट मतलब इसको जान जाऊंगा, अपने हृदय से मैं उसको जान जाऊंगा, यानी कि मैं उसको कंठस्थ कर लूंगा। इस आशा के साथ में वो अपनी मॉर्निंग प्रेयर को गाती रहती थी, जब वो मुझे स्नान करवाती थी और मुझे कपड़े पहनाती थी। आई लिसन कि मैं सुनता था, बिकॉज क्योंकि आई लव्ड हर वॉइस, मैं उसकी वॉइस, उसकी जो आवाज थी उसको लव करता था, उसको पसंद करता था। बट लेकिन नेवर बोदर टू लर्न इट, लेकिन उसको लर्न करने का, उसको याद करने के लिए कभी बोदर नहीं हुआ, कभी भी परेशान नहीं हुआ। देन फिर सी वुड फेच माई वुडन स्लेट, उसके बाद क्या करती, फिर सी वुड फेच माई वुडन स्लेट, वो मेरी वुडन स्लेट जो होती थी, लकड़ी की जो स्लेट होती थी उसको फेच, फेच होता है लाना, वो मेरी वुडन स्लेट लाती, विच सी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विद येलो चौक, विच जिसको की सी हैड ऑलरेडी, जिसको वो पहले से ही वॉश्ड यानी धो चुकी होती थी, एंड प्लास्टर्ड विद येलो चौक, और पीली जो चौक होती थी उससे वो उसको प्लास्टर यानी उसकी परत जमा देती थी, पीला जो चाक है उसको वो पोत देती थी। तो उस वुडन स्लेट को वो मेरे लिए लेके आती थी, जिसको पहले वो धो देती थी, और वो पीली जो चौक होती थी, मिट्टी होती थी, उसे वो प्लास्टर कर देती थी, उस वुडन स्लेट को वो मेरे लिए लाती। ए टाइनी अर्थन इंक पॉट एंड ए रेड पेन, टाई देम ऑल इन ए बंडल एंड हैंड इट टू मी, कि ए टाइनी अर्थन इंक पॉट, कि एक छोटी सी अर्थन यानी जो मिट्टी की जो इंक पॉट होती है, तो एक मिट्टी की शय की दवा, छोटी सी मिट्टी की शय की दवा, एंड ए रेड पेन और एक लाल पेन वो भी लेके आती थी, एंड टाई देम ऑल इन ए बंडल, और इन सबको क्या करती, इन सबको एक बंडल में बांध देती। टाई होता है बांधना, देम यानी उनको, किनको, स्लेट को, इंक पॉट को और रेड पेन को, उन सबको एक बंडल में वो बांध देती, एंड हैंड इट टू मी, और मुझे वो हाथों में दे देती। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्टेल चपाती विद ए लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, वी वेंट टू स्कूल, कि आफ्टर ए ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के बाद में, और ब्रेकफास्ट कौन सा, और थिक स्टेल चपाती, कि एक मोटी स्टेल यानी बासी जो चपाती होती है, विद ए लिटिल बटर, कि थोड़े से बटर के साथ, मतलब उसमें मक्खन लगाया हुआ, एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, कि थोड़ा मक्खन लगाया हुआ और उसके ऊपर, ऑन इट यानी उसके ऊपर शुगर यानी चीनी को फैलाए हुए, उस मोटी बासी, बासी यानी जो ठंडी रात का जो भोजन होता है, उस ठंडी बासी मोटी रोटी का ब्रेकफास्ट करने के बाद में, वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल जाते। सी कैरीड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, कि सी कैरीड, वो लेके जाती थी सेवरल स्टेल चपातीज, की कई सारी जो ठंडी बासी रोटी थी उसको वो लेके जाती थी, विद हर अपने साथ, फॉर द विलेज डॉग्स, के गांव के कुत्तों के लिए वो अपने साथ कई बासी रोटी है वो लेके जाती थी। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल, कि माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी, मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती, बिकॉज क्योंकि द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल, क्योंकि स्कूल है वो टेम्पल से अटैच्ड था, मंदिर से जुड़ा हुआ था। द प्रिस्ट टॉट अस द अल्फाबेट, जो प्रिस्ट थे, जो पुजारी थे, वो हमें अल्फाबेट सिखाते थे, एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और जो मॉर्निंग प्रेयर थी, जो सुबह की जो प्रार्थना थी और अल्फाबेट थे, वो हमें सिखाते थे। व्हाइल द चिल्ड्रन सैट इन द इन रोज ऑन आइदर साइड ऑफ द वरांदा सिंगिंग द अल्फाबेट और द प्रेयर इन ए कोरस, माई ग्रैंड मदर सैट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स।
कि वाइल जब द चिल्ड्रन सैट, चिल्ड्रन यानी जो बच्चे सैट यानी बैठे होते थे इन रोज यानी पंक्ति में ऑन आइदर साइड, एक साइड में और द वरांदा वरांदे के अंदर, सिंगिंग द अल्फाबेट, अल्फाबेट को गाते हुए और द प्रेयर प्रार्थनाओं को गाते हुए इन ए कोरस, कोरस यानी समूह में, कि जब बच्चे समूह में प्रार्थनाओं को और अल्फाबेट को गाते हुए बरामदे में एक साइड में पंक्ति में बैठे होते थे, माय ग्रैंड मदर, मेरी जो ग्रैंड मदर होती थी, मेरी जो दादी होती थी, सेट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर यानी जो धर्म ग्रंथ होते हैं उन धर्म ग्रंथ को पढ़ते हुए मेरी दादी है वो अंदर बैठी रहती। यानी जब हम बच्चे समूह में प्रार्थनाओं को बोलते रहते, अल्फाबेट को गाते रहते थे, तो मेरी दादी है वो भी अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ते हुए अंदर बैठी रहती, मंदिर के अंदर बैठी रहती। When we had both finished, जब हम दोनों अपना फिनिश कर लेते हैं, मतलब जब हम मेरी पढ़ाई और उनका जो स्क्रिप्चर पढ़ना है वो कंप्लीट हो जाता, फिनिश हो जाता, वी वुड वॉक बैक टूगेदर, तो वी वुड वॉक बैक, तो हम वापस आते टूगेदर यानी साथ साथ हम वापस आते। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, क्योंकि वो डॉग्स के लिए रोटी लेके आती थी, तो उसके बारे में बताया अब कि दे दिस टाइम, इस बार द विलेज डॉग, जो गांव के कुत्ते होते थे, वुड मीट अस, वो हमें मिलते एट द टेम्पल डोर, कि मंदिर के दरवाजे पे इस बार गांव के जो डॉग्स थे वो हमें मिल जाते। दे फॉलोड अस, वो हमारे पीछे आते, टू आवर होम, हमारे घर तक, ग्राउलिंग यानी गुराते हुए एंड फाइटिंग, लड़ाई करते हुए, विद ईच अदर फॉर द चपातीज विथ यू टू देम, कि जो चपातीज हम उनको उनकी तरफ फेंकते थे उनके लिए वो लड़ते हुए और गुराते हुए घर तक हमारे पीछे पीछे आते। तो ये होगी रोटी की बात। अब इसके बाद में है, व्हेन माय पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल इन द सिटी, दे सेंट फॉर हर्स, उसके बाद क्या हुआ कि जब माय पेरेंट्स, मेरे जो पेरेंट्स थे, मेरे जो मदर, मदर और जो फादर जो कि सिटी में गए थे, तो माय पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल इन द सिटी, कि जब सिटी के अंदर, शहर के अंदर मेरे जो पेरेंट्स आराम पूर्वक सेटल हो गए थे, दे सेंट फॉर अस, उन्होंने हमें बुला लिया, मेरी ग्रैंड मदर को और मुझे बुला लिया। दैट वॉज ए टर्निंग पॉइंट इन अवर फ्रेंडशिप, और ये क्या था, हमारी फ्रेंडशिप के बीच में एक टर्निंग पॉइंट था, एक महत्वपूर्ण बदलाव था, एक निर्णायक मोड़ था। ऑल्दो यद्यपि वी शेयर द सेम रूम, कि हम सेम रूम में रहते थे, एक ही रूम को हम शेयर करते थे, माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, अब क्या हुआ, माई ग्रैंड मदर, मेरी जो ग्रैंड मदर थी, दादी थी, वो अब और अधिक मेरे साथ स्कूल नहीं आई, क्योंकि इस टाइम तक वो आती थी, लेकिन जैसे ही वो सिटी में गए अब वो स्कूल उसके साथ नहीं आती थी। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस, कि एक मोटर बस के अंदर इंग्लिश स्कूल में मैं जाया जाने लगा, तो आई यूज टू गो टू, मैं जाने लगा किसमें, एक इंग्लिश स्कूल में इन ए मोटर बस, एक मोटर बस में मैं एक इंग्लिश स्कूल में जाने लगा। देर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट एंड सी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड और सिटी हाउस, तो देर वर नो डॉग्स, की वहां पे कुत्ते नहीं थे, इन द स्ट्रीट्स, की गलियों के अंदर वहां कुत्ते नहीं थे, एंड सी टुक टू फीडिंग स्पैरोज, और सी टुक टू फीडिंग, वो खिलाने लग गई थी स्पैरो चिड़ियाओं का, कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड यानी आंगन में, और सिटी हाउस, की हमारे सिटी का जो घर था उसके आंगन में वो स्पैरो को, चिड़िया को दाना खिलाने लग गई थी, ये उसकी आदत में, उसकी रूटीन में वो स्टार्ट हो गया था। तो आई होप आपका चैप्टर इतना क्लियर हो गया होगा आज के लिए। नेक्स्ट हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। ओके, बाय।